हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवेडेक। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए गाइस, आप लोग का नीट के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, नीट पेपर लीक के रिगार्डिंग, रीनीट के रिगार्डिंग, नो रीनीट के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या हुआ उस पर पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो इन तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट टाइम पर प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना टाइम लेस को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, नीट का आपका जो हेयरिंग हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपका कोई भी जजमेंट निकल करके नहीं आया। जजमेंट मतलब कि कोई भी डिसीजन तक, किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंचा गया कि आपका रीनीट होगा, नो रीनीट, या फिर मैटर को डिस्क्लोज कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या हुआ, यही कि आपको जैसे 22 जुलाई मंडे, यानी कि मंडे जो भी आने वाली, इस मंडे की 10:30 बजे से फिर से सुनवाई होगी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी जो है, उन्होंने बोले कि आपका जो मंडे को सुनवाई होगा 10:30 बजे से, तो आफ्टरनून तक यानी लंच के पीरियड तक आपका जैसे डिसीजन, फाइनल डिसीजन आपको दे दिया जाएगा, क्या करना है नहीं करना है। तो फाइनल डिसीजन जैसे आपको मंडे को आना है, ऐसा जैसे बोला गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है तो इस बात पर यकीन करना होगा कि हाँ उस दिन फाइनल डिसीजन आपका आएगा। लेकिन अभी तक जैसे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आएगा। उससे पहले उन्होंने क्या किया, देखिए NTA को जो है उन्होंने बताया है कि आपको रिजल्ट पब्लिक करना है सारे बच्चों के, यानी 23 लाख समथिंग बच्चे जो है, सारे की रिजल्ट जो है सो पब्लिक कर देना है, और उसको जो सेंटर वाइज, सिटी वाइज अपने वेबसाइट पे अपलोड करना है, उसमें नेम और रोल नंबर को हिडन करके बाद बाकी जो है सो सारी चीज़ें सो अपलोड करने, किसने कितना स्कोर किया है, सारा का जो सो स्कोर मार्क्स जो है सो सेंटर वाइज, सिटी वाइज जो सो अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो वो जो है सो NTA को करना है, वो NTA जो सो अपना काम करेगी। नीट और रीनीट की कोई भी जजमेंट नहीं हो पाई, यानी कि नीट की एग्जाम फिर से कंडक्ट कराई जाएगी, या फिर कुछ बच्चों का जो कहना था नो रीनीट, उसमें भी कोई भी अभी तक ये डिसीजन तक नहीं पहुंचा जा चुका है। और देखिए IIT मद्रास की जो रिपोर्ट थी, उस पर जैसे बहुत सारे डिस्कशंस हुए, तो उस पर जो है सो आज डिस्कस किया गया। IIT मद्रास ने जो है सो रिपोर्ट जो दिया था डाटा एनालिटिक्स के आधार पर, उस पर डिस्कशंस हुए आपके सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एक चीज़ और पूछा कि री ओपन जो विंडो कराया गया था अप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसमें कितने बच्चों ने जैसे अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1,08,000 के समथिंग जो सीट्स है आपको इंडिया मेडिकल कॉलेज के, तो उसके लिए एलिजिबल हुए हैं, उसमें जो है सो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस पर क्या बताया गया, तो NTA ने बताया कि लगभग 15,000 बच्चे ने जैसे 2 दिन में अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे, 44 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 1,08,000 के अंदर में आते हैं, ऐसा जो है सो सुप्रीम कोर्ट के में बताया गया NTA के द्वारा। ये 1,08,000 के अंदर में 44 बच्चे सिर्फ आते हैं, ये जो है सो NTA को बताया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है सो हुआ कट ऑफ हाई क्यों गया, तो NTA ने बोला कि जो है सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया था, इस कारण से कट ऑफ हाई गया। वही जो है सो पिटिशनर के द्वारा बताया गया कि सिलेबस रिड्यूस किया गया, तो वही सिलेबस जो है सो एक्सटेंड भी किया गया, बहुत सारी चीज़ें ऐड भी गई, लेकिन कुल मिलाकर के जो है सो लगभग सिलेबस रिड्यूस किया था। लेकिन NTA जैसा बोला कि 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ था, ये हुआ। उसके बाद देखिए पेपर लीक की जो है सो कैसे पे डिस्कशन हुआ, हजारीबाग पे डिस्कस हुआ, पटना पे डिस्कस हुआ, गोधरा वाली जो कांड हुई थी उस पर डिस्कस हुआ, टेलीग्राम जो वीडियो लीकेज था टेलीग्राम पे जो पेपर लीक पे, उस पर हुआ उसको जो है ऑथेंटिसिटी नहीं मिला, उसको जो कुछ ये नहीं किया गया, तो आप उसका जो मैटर वहीं पे डिस्क्लोज हो चुका है, वो मैटर खत्म हो चुका है। और देखिए यहाँ पे मास लेवल पे पेपर लीक का जो है कोई भी अभी तक जो है ये नहीं हुआ है, लेकिन मास लेवल पे पेपर लीक का जो है वो लोग जो है सबूत खोज रहे हैं, मास लेवल पे पेपर लीक अगर हुआ है तो एक बार में वो जो है एग्जाम कैंसिल कर देंगे, तुरंत रीनीट की घोषणा कर देंगे। लेकिन जब तक जैसे एक प्रॉपर एक ठोस सबूत नहीं मिल जाता है, तब तक जैसे वो रीनीट के लिए या फिर नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार बोला जा रहा था, और विशेष फोकस जैसे 1,08,000 स्टूडेंट जो है उस पर दिया जा रहा था कि इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, इस माल प्रैक्टिस के थ्रू इसमें कितने बच्चे को जो है इसमें बेनिफिट मिल रहा है, ये सब चीज़ पर जो डिस्कस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने NTA को बोला है कि आप जो है सो EOU की जो रिपोर्ट थी उसको सबमिट कीजिए, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट PR की जो थी, जो उन्होंने शुरुआती दौर में जो जांच पड़ताल की थी उसका जो है सो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, और बिहार पुलिस की जो रिपोर्ट थी स्टार्टिंग दौर की जो CBI की इन्वेस्टिगेशन से पहले की, वो जो है सबमिट करने के लिए, ताकि उसके आधार पर जैसे मैं कुछ भी डिसीजन ले पाऊँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। आप जो है सारे बच्चों का रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर कैसे पब्लिश करना है, तो उसमें जो है सो आपको किसी बच्चे का नेम और रोल नंबर नहीं बताना है, बात बाकी जो है कितने मार्क्स आए, किस सिटी से, किस सेंटर से, यानी कि सेंटर वाइज जो है पूरा डाटा देने के लिए सो बोला गया, ताकि उनको जो है सो पता चल सके कि हाँ इसमें से किन किन बच्चों को जो है सो क्या गया स्कोर किया है, और किस किस थ्रू जो है सो इन्होंने बेनिफिट उठाया है, क्या से पेपर लीक से उठाया है, माल किस उठाया है, ताकि उनको डिसीजन लेने में आसानी रहे, ऐसा जो है उन्होंने बताया। तो अब जो है सो आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है,
और सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन होने वाली है वो आपको मंडे को होगी, 10:30 बजे से फिर से हियरिंग स्टार्ट होगी और लंच टाइम तक जो आपका फाइनल डिसीजन आउटकम चलाएगा। तो जो भी डिसीजन निकल करके आएगी वो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेस्कटॉप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।